थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आप सबको मेरी आवाज आ रही है, मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, आ रही है। सलामत रहिए। आप सबको सबसे पहले तो जश्न सादिकीन बहुत बहुत मुबारक। मैं सैयदा फरहान मुजम्मिल पाकिस्तान से हूँ, हाउस वाइफ हूँ, उसके अलावा पढ़ती हूँ। ऑफिशियल पेज है मेरा फरहान नकवी के नाम से, और इसको सीखा भी है मैंने, अभी तक सीख रही हूँ। क्योंकि मौलाना कौल है कि हमें जिंदगी के कब्र तक हमें इन हासिल करनी, तो ये बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं भी अभी सीख रही हूँ, और जो जितना मैं सीख चुकी हूँ उतना मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, मर्सी एकेडमी की जो एक आविश है, परवरदिगार आलम उनको सलामत रखे और उनको कामयाब करे कि जिन्होंने अल्लाह आमीन। ये स्टेप लिया। इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी और आप लोगों को इसमें मेहनत करनी है, हम अपना 100% देंगे। मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपना 100% दें, मेरे साथ कॉपरेट करें, जो मैं बताऊँ उसको फॉलो करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरी एक तो ये बात है कि पढ़ना बहुत आसान है, हमने किसी भी चीज़ को मुश्किल नहीं लेना है, ठीक है? आप लोग अगर मुझे सुन सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अपना फीडबैक देती रहेगा, ताकि मुझे कंफर्म रहे कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अच्छा, जब भी हम कोई कलाम पढ़ते हैं तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो सानी, अस्थाई और अंतरा, ये तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट लाइन जो है हमारी वो हो गई सानी। अगर आप लोगों के पास पेपर पेन है तो आप वो लिख ले, नोट करते रहे। अस्थाई, सानी और अंतरा। अस्थाई जो है किसी भी कलाम की पहली लाइन जो होती है वो अस्थाई होती है। कलाम की लैंग्वेज में जब हम कलाम सीखने बैठते हैं तो सबसे पहली जो हमारा जो पॉइंट है वो अस्थाई, सानी और अंतरा, ठीक है? अंतरा हमारा मिसरा हो जाएगा, सानी जो दूसरी लाइन होती है वो हो जाएगी और अंतरा हमारा मिसरा हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आ जाता है हम स्केल पे, ठीक है? आपको जब भी कोई कलाम स्टार्ट करना है तो हमने सबसे पहले आपने देखना है कि आपका स्केल क्या है, ठीक है? आवाज़ का स्केल क्या है, मतलब अब मैं आपको एक कलाम बताऊं अगर आप समझ सकें तो देखिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वफा जिसे का पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। ये मेरा नॉर्मल स्केल है, ठीक है? अब मैं चाहूंगी, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्केल हाई करूँ तो अब मैं आप लोग मुझे सुनेगा। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, और जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। तो जब भी आपने कलाम स्टार्ट करना है ना, तो आपको सबसे पहले आपने ये देखनी है, ये चीज चेक करनी है कि आपकी गले की रेंज क्या कैसी है, ठीक है? मैंने सबसे पहले अरिबा को जो सुना है, अरिबा अगर हाई पिच पे भी, हाई स्केल पे भी कलाम उठाती है तो अरिबा हाई निभा सके कि अच्छे से, ठीक है? अब बिल्कुल आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आप कलाम तो हाई स्केल में उठा लेंगे, लेकिन कलाम के बाद जब अंतरा आएगा, मीन्स उसका मिसरा जो आएगा वो हाई पिच पे जा रहा है, तो अब अगर आप स्केल हाई रखते हैं तो वो आपको अंतरा उठाने में और प्रॉब्लम आ जाएगी। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग जी बीच जी में कोई जी भी सवाल काफी हद तक। हाँ क्लियर होता जाए तो मुझे बताएगा। कोई भी सवाल अगर आपको करना है या कुछ समझ नहीं आया मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? मेरा ग्रुप भी है जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ये सब नोट डाउन करते रहें, ठीक है? ये बेसिक पॉइंट है। किसी भी कलाम को हम चूज करते हैं ना तो हमें सबसे पहले स्केल देखना है अपना। आपने अगर स्केल नॉर्मली रखा है ना तो आप उस कलाम को उठा सकते हैं। आपने सबसे पहले स्केल की मदद से अपने कलाम को चूज करना है, आपने देखना है कि हाँ मैं इतना निभा सकती हूँ, उतना ऊपर जा सकती हूँ, तो ये मैं सूटेबल रखूँ, ठीक है? आप अगर यहाँ पर कितने लोग अगर ऐसे हैं जिनको खींचने में प्रॉब्लम होती है, ऊपर सुर नहीं जा पाता, खींचने में प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोग सीधा पढ़ सकते हैं,
तो उनके लिए सबसे आसान हल ये है कि हम जो है ना नॉर्मल सांस खींच के नॉर्मल स्केल में हम कलाम उठाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब नॉर्मल स्केल हर इंसान का जो अपना नॉर्मल स्केल है, आपने कहना हल्का सा हल्की सांस लेनी है, हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ। आप देखेंगे मेरा नॉर्मल स्केल है और मेरी आवाज इसमें मेरा वोकल भारी आया होगा, ठीक है। अब मैं एक स्केल बढ़ा रही हूँ, आप देखिएगा, हुसैन मान तेरे हैं निजात ले जाओ, ये मैंने एक स्केल बढ़ाया है, ठीक है। अब आपको बस इतनी सेंस होना चाहिए, इतना आपको जहां आपने सबसे पहले जो बेसिक चीज सीखनी है वो स्केल सीखना। आपको स्केल समझ आ गया, आपको कलाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आपको परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। बिल्कुल, स्टार्टिंग का क्या है वो अगर थोड़ा सा आप पॉइंट्स मुझे बता दें तो मुझे ज्यादा आसानी रहेगी समझने में, और जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आप बताइए कि मेरे लिए सलाम पढ़ना, सोस्त पढ़ना या स्केल, ये सारी चीजें अगर आप मुझे बताइए। आपका जो है वोकल बहुत खूबसूरत वोकल है, आप सलाम भी अच्छे से पढ़ सकती हैं, आप मर्सिया भी अच्छे से पढ़ सकती हैं, और ये जो अंतरा अस्थाई सानी और अंतरा है ना, ये अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो अभी हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये मसला ये कि हम प्रोफेशनल होके अभी बैठे हैं, तो मेरी ये था कि मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूं, ठीक है। अभी हम नॉर्मली से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन जो मिसरा होता है, मिसरा तो आप सब समझते हैं ना, मिसरा जो शेर होता है जी एक तो, वो तो समझते हैं आप लोग, जी जी ठीक है ना। तो शेर की एक लाइन को मिसरा कहते हैं ना, ये शेर हाँ की हर लाइन को मिसरा मिसरा अशार, कहते हैं। अच्छा नहीं वो अशार। देखिए अब देखिए, वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, ये हो गई जी एक लाइन, कलाम की फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। सेकंड लाइन हो गई, जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं, जी ठीक है। अब ये है मिसरा, ठीक है। मिसरा स्टार्ट जो होगा पहला शेर होगा वो, अली का खून जहरा की दुआ शब्बीर की कुव्वत बने इन सब से जो मिलकर उसे अब्बास कहते हैं। जैसे हम कलाम से पहले पढ़ते हैं, एक कथा टाइप पढ़ते हैं ना, ऐने से ऐने रुबाई टाइप वो होते हैं कथा, ठीक है। ये मिसरा जब कलाम, ये तो कंटिन्यू होना, कथा बस थोड़ा सा होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके मैम, अक्सर ऐसे नोहे होते हैं ना कि लाइक उनको हम मतलब एक रिदम के साथ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन पर आते हैं तो उसकी ट्यून इस तरह से चेंज हो रही होती है कि वो हमारे बिल्कुल वोकल्स के साथ में जिससे आवाज अंदर ही रह जाती है, तो वो उस तरह से हो जाते हैं। जैसे वो एक नोहा है अब्बास ना लूटे, फिर उसमें जो लाइन्स आती है कि मश्क अशह आ गए मश्क आ गई, ये वही लाइन जरा अदा करना तो मुश्किल हो जाती है, तो क्या इसके बारे आपको में आप कहाँ क्या प्रॉब्लम कहेंगे? आती है? शह आ गई मश्क आ गई अब्बास ना लौटे, मतलब इसका जो हाई पिच होता है ना वो मैं इजीली कर लेती हूँ, लेकिन उस हाँ हाई हाँ पिच से जैसे लो पिच पर आती हूँ ना तो वो एकदम आवाज जैसे अंदर आ जाती है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक मिसरा पढ़ के सुना सकती हूँ। आप बिल्कुल मुझे बताएंगे कुछ बात। ओके, कानों सूखे आवाज ना लूटे। अब जब इसके बाद मैं शह आगे बोलूंगी तो वो मतलब बिल्कुल आवाज में दब जाती है। हाँ अरे आपने जब ये पढ़ा ना, कानों से लहू सूखे हुए नब,
ये जब आप लाइन खत्म करेंगे इसके बाद आपने सांस ले ली, सही 2 मिनट की सांस आई, इसके बाद आप कंटिन्यू गए से के। आपने सांस अपनी 2 मिनट की सांस कम करे बाद एकदम कंटिन्यू करें आप इसको पढ़ के देखिएगा, जब आप 2 मिनट की सांस लेंगे ना उसके बाद कंटिन्यू उठाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्टार्ट तो आपने अपने स्केल पे किया है ना। जी जी। और मैम सेकंड थिंग ना, मुझे उठाने में मसला होता है, लाइक अक्सर मैं पढ़ रही हूँ तो मामा कहती है कि तुम उठा नहीं सही से रही हो, तो वो चीज मतलब उठाने में क्या प्रॉब्लम होती है, 2 लाइन मुझे आप फॉर एग्जाम्पल बताएं। मतलब जैसे मैं कोई भी शेर पढ़ रही हूँ ना तो वो कहती है कि उठाने का तरीका सही नहीं है। अच्छा अरे शुरू से कुछ पढ़, अभी भी आपने जो उठाया ना वो मिसरे से उठाया है, बीच के अशार से उठाया जी। आप शुरू से चले मैं आप ये मिश्रा मैम यहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है उठाने में। जी लाइक इसमें तो शायद ऐसी मिस्टेक ना हो रही हो क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस है मेरी, आपको अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आप मुझे बता सकती हैं। अरे वो आपकी ना वोकल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आप ना कोशिश ये करें आप ना पढ़ने के टाइम आ बहुत लगा रही है, आप इतनी ज्यादा लगा रही है ना कलाम में कि मैं थोड़ी देर बाद समझ पाई कि आपने बोला है आज। ठीक है, एक जो आज होती है मतलब आज ये कि आपने ना एक लफ्ज को बहुत ज्यादा खींच दिया रफ्तार सिंपल वर्ड्स में। हाँ सिंपल वर्ड्स में, जैसे आज होते ना आज भी जाना, समझ में आ रहा है वाजे। अब अरीबा ने जो पढ़ा है वो ऐसे आ रहा है आज भी जाना, ये हो गई आज मतलब आज भी जाना ये, तो ये चीज नहीं करें आप। ठीक है ना, ओके तो आपने प्रॉपर करना, मतलब आपने इतना ही करना है जितना कलाम का हक है, कलाम की खूबसूरती भी चली जाती है उसको ज्यादा, उसको ज्यादा अगर हम प्रोफेशनल होके पढ़ते हैं। ठीक है अरिबा, इस चीज पे आपने काम करना है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम भी जो सुनाया ना मुझे, वो भी मुझे थोड़ा सा समझ के सुनना पड़ा, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है लेकिन लव्स में ना आपके आज बहुत है, आज बेसिकली आज ये होती है मेरी ये कोशिश थी कि जब ग्रुप के तमाम मेंबर्स आ जाते तो ये आपका एक होमवर्क हो जाएगा आप लोगों को। हम मुहर्रम में तो रेगुलरली तौर पे पढ़ रहे होते हैं, हमारा गला चल रहा होता है, ठीक है, जहाँ हमारा गैप आता है उसके बाद हम बहुत दिनों के बाद कोई कलाम पढ़ते हैं तो हमें कलाम पढ़ने में मुश्किल होती है, गला थक जाता है, तो उसकी टिप्स ये है कि आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सुबह मॉर्निंग में ना आपने सबसे पहले आस लगानी है, आस आप दो ज्यादा टाइम नहीं लगे, आप एक दिन 1 मिनट की आस लगाएं बेसिकली ऐसे देखिएगा। प्लीज नहीं म्यूट हो गई थी, आई थिंक आप लोग अगर म्यूट करें तो फिर हम कंटिन्यूसली फराह को सुन सकते हैं, लेट मी म्यूट देम एंड देन वी कैन डू दैट। ओके यू कैन कंटिन्यू फराह। यहाँ पर जो है ना मर्से के लिए सबसे पहले आपकी आवाज को सीधा होना बहुत जरूरी है, मतलब आपकी आवाज में थोड़ा बहुत कपकपाहट एक वाइब्रेटो टाइप जो आ रहा है यहाँ पर, वो मैंने जहाँ तक सुना रोजी ने भी अच्छा पढ़ा है और अरीबा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ रही है,
शैला को थोड़ा सा अपनी आवाज पे काम करने की जरूरत है। मैं सबके लिए ओवरऑल ये वर्क दे रही हूँ कि आपको जो है ना वो आवाज को अपने मतलब सेट करना है। वो आप ये करेंगे, आप लोगों ने मॉर्निंग में उठना है और मॉर्निंग में उठने के बाद जब भी आप मतलब फ्री हो जाए फ्री टाइम पे, आपने पहले दिन एक दिन जो है 1 सेकेंड की आस लगाई, आपको प्रॉब्लम हुई, आपने वो आस बढ़ानी है। मतलब इस तरीके से इस तरह से आपके जो गला है ये गला खुलेगा, आपकी आवाज में निखार आएगा। दूसरा आपकी आपकी जो वाइब्रेटो आ रहा है कहीं कहीं पढ़ने में बहुत ज्यादा कपकपाहट आ रही है, वो चीज खत्म हो जाएगी। ये समझ लें आपका एक होमवर्क हो गया, ये इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है ये, ठीक है। इसके अलावा जो है ना जब मैं सोज पे आऊंगी तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सोज ऐसे दूं जो आस वाले सोज हो, इससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी। और 4 लाइनों के सोज होंगे लेकिन उसमें थोड़े बहुत राग इंक्लूड होंगे ताकि आपको सुबह के टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका गला खुलेगा, आपको कलाम पढ़ने में आसानी होगी, आपका गला थकेगा नहीं। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम एक कलाम तो पढ़ लेते, एक कलाम के बाद दूसरे कलाम जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गला थक जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब हम सीख रहे हैं तो मतलब आप कोई आप किसी मजलिस में है कहीं पर है, आपको 4 कलाम भी पढ़ने हैं 5 कलाम भी पढ़ने हैं आप पढ़े, मतलब आपके पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि जाहिर सी बात है हम सीखे हुए लोग हैं। क्लियर है अभी तक मेरे ख्याल में? अभी हमारे साथ इरम है, इरम आई इरम है, इरम ने ज्वाइन किया है। हम सुनेंगे। आपने अच्छा पढ़ा है, आपको भी मेहनत की काफी जरूरत है। वाइब्रेटो बहुत है आपकी, मेरी आवाज में बारीकी नहीं आई, वो चीज नहीं आ बारीकी। देखिए ये कमाल नहीं है, मतलब हर किसी का वोकल अपनी जगह होता है। आप इस चीज पे फोकस नहीं करें कि आपकी आवाज में बारीकी है, नहीं आप जो देखा है कि जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सॉरी मैं आपके बाद, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बारीकी की तरफ नहीं जाते, हाँ भारी भारी तरीके से उठाते हैं। मैं वैसे बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहूंगी कमाल जो है ना बारीकी में ना भारी में, डिपेंड आपकी वोकल पे, बस आपकी जो वोकल है वो मेंटेन होनी चाहिए, आपका ट्यून अच्छा होना चाहिए और आपकी वोकल मेंटेन होनी चाहिए। आपकी आप जो पढ़ रही है वो समझ में आना चाहिए अपने आप। मुझे जहाँ तक लगा आप ट्यून को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रही कलाम पे, आपने जो है तर्स थोड़ा सा आउट पड़ी। और दूसरे ये कि कुछ अल्फाज आपने बहुत तेजी से कह के निकल गई, जो भी जैन किया सदा भाई उसने, आपने ऐसा पढ़ा। एक तो मैं आप सबसे, अगर आप सब मुझे सुन रहे हैं तो कलाम के लिए ना सबसे पहले हमारी रूहानियत होना बहुत जरूरी है। अब जो चीज पढ़े ना उसको फील करके पढ़े, आप फील करके पढ़ेंगे ऑटोमेटिक वो कलाम बहुत खूबसूरत और निखर के आएगा, ठीक है। और ये जो आपकी आवाज में वाइब्रेटो आ रहा है ये खत्म हो जाएगा। आप जी जी बोले आप, इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये कि आप बहुत कम पढ़ती होंगी ऐसे ही। अच्छा हाँ जी, थोड़े साल मुहर्रम के बाद प्रैक्टिस ही नहीं की और मुहर्रम में भी कम कम पढ़ा। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, प्रैक्टिस तो जरूरी है। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं करें कि आपको अगर कल पढ़ना है ना कलाम तो आज रात में आप बैठे हैं उसको लेके और आप फिर उसको पढ़ते जाए, इस तरह आपके आपके गले बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा ही है, ऐसा मैंने रात को ही जी। देखा ये आप ये सबसे बड़ी हम लोग की मिस्टेक है। अच्छा हाँ, हम लोग देखिए पढ़ने के लिए ना आपका गला फ्रेश होना चाहिए, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ये सब टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को सबको बता रही हूँ, अपने पास नोट डाउन करें। आपकी नींद पूरी होगी, आपका गला फ्रेश होगा, आप कभी भी आपका गला खराब नहीं होगा, बैठेगा नहीं, आपको प्रोग्राम जो भी आप कोर्सा दे रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और कभी भी आपने ये नहीं करना कि आपने अगर फर्ज किया आपको कुछ सलाम पढ़ना है किसी महफिल में किसी मजलिस में कोई कलाम पढ़ना है
तो आपको जैसे कल पढ़ना है ना कलाम, तो आप हम लोग अमूमन ये होता है हमें रात में पढ़ना है तो हम सुबह लेके तैयारी करने बैठे, तो उससे क्या होता है हमारा गला डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते बात है एक चीज बंद है बिल्कुल, और फिर हमने उसको जो है हटाया और फिर उसको जल्दी 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 चलाया, तो वो फिर जाहिर सी बात है खराब तो होगी ना। फिर क्या इससे क्या इश्यू आता है, ये कि हमने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली होती है हमारा गला थक चुका होता है, और जाहिर सी बात है मेहनत, फिर जब हम खड़े होते हैं पढ़ने के लिए तो हम तो गए भी होते हैं, फिर हमें हमसे खींचा नहीं जाता, हमारी आवाज दबने लगती है, ये सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको, वैसे तो अब आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि मैं रोजाना डेली के बेसिस पे आपको आज दूंगी जो आपने मॉर्निंग में लगानी है, जिससे आपका गला ठीक है कभी थकेगा। ठीक है, आपने आस लगानी है सबसे पहले, तो बकायदा मुझे आप लोग अपने अपने उससे रिकॉर्ड मतलब करके, आज का मतलब जी आस का आज मतलब, के आप आस का मतलब आपने सोज या मर्सी से पहले सुना होगा, हम लगाते हैं सांस नहीं जी लेनी। ठीक है, ये भी नहीं कहूंगी कि आप अपने ऊपर तकलीफ उठाएं, लेकिन आप कोशिश करें जितना आप सांस रोक के आप लंबी आंस लेके जा सकते हैं, आप लेके जाए। ठीक यानी है, सीधी एक आवाज, बस हाँ, आ की लेकिन बिल्कुल सीधी आवाज। इसमें भी वो होता है, ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे नहीं होनी चाहिए आवाज, आवाज बिल्कुल सीधी आनी चाहिए आपकी, मतलब एक सीधी आस, इसमें कहीं वाइब्रेट नहीं आना चाहिए। आपको एक दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन आप मच बेटर फील करेंगे कि नहीं यार आप सही है। फिर आप कोशिश ये करेंगे, आप लोग सबसे मैं कह रही हूँ, फिर आप लोग कोशिश ये करेंगे कि आप लोग उस चीज को बढ़ाते, मतलब फर्स्ट टाइम आपने आंस ली, आप 1 सेकेंड खींचे आपने, फिर आपने सांस ली। ठीक है, आप दूसरे दिन आपने कोशिश करना है आप 2 मिनट ले लें, 1 मिनट ले लें, मतलब उसको लंबा करते रहे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आप लोगों के गले में प्रॉब्लम आ रही है, कलाम पढ़ते हुए प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज नहीं होगी। सबसे पहले हमारा गला फ्रेश होना चाहिए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। हमारा गला रोलिंग में है तो हम कुछ भी आसानी से पढ़ सकते हैं, हमें कहीं खींच में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर और किसी को कोई जी प्रॉब्लम होने, कोई सवाल है तो जी मुझसे कर दो, जी जी खैर मैं सवाल एक सवाल पूछूंगी। खैर मुझे ना खुद को ये लगता है कि मेरी आवाज ना बहुत बुरी है, मतलब कि कभी जो है ना अच्छी नहीं हो सकेगी। तो मेरी आवाज में मुझे खूबसूरती नजर नहीं आती, मेरी आवाज दुरुस्त हो सकेगी या ऐसी ही रहेगी? देखिए हम यहाँ पर आपको गाइडलाइंस देने के लिए बैठे हैं इंशाल्लाह से, और बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए हर जिक्र करने वाले का अलग स्टाइल होता है, अलग उसका अंदाज होता है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है हम आपको सिखा रहे हैं, मैं आपको टिप बताऊंगी, और दूसरे कि आपकी आवाज में जो प्रॉब्लम्स हैं वाइब्रेशन की, मसला आपके आवाज में बहुत ज्यादा वाइब्रेटो है, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। दूसरा आप ट्यून जो है ना आप उसको फोकस नहीं करती हो, मतलब आप जी एक जो तर्स होती है ना, आप मेरी बात अगर समझ सके, आप जी मतलब जी वो तर्स, आप तर्स सबसे पहले बहुत बेसिक चीज होती है, आप कोई भी कलाम पढ़े आप उसकी तर्स सही से फॉलो करें। ठीक है, जी तो आप लोगों का काम ये है मर्सी अकेडमी लिबरेंस का, हम आपको मेंटेन करके आपको बता सकते हैं, फिर कोशिश आप करेंगे, और मैं ये नहीं कहूंगी आप बिल्कुल वोकल तो नहीं चेंज हो सकता, लेकिन इंशाल्लाह आप बेहतर पढ़ने लगेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह प्रैक्टिस इंशाल्लाह। आप रेगुलर कीजिएगा। दूसरा मैं आप सबसे ये कहूंगी कि जहां आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पर्सनली तौर पे आप मुझे वॉइस कर दें, आप मुझे बता दें, थोड़ा लेट रिप्लाई आ जाए कोई मसला नहीं है मेरा, मैं आपको लेकिन गाइड करती रहूंगी। जहां आपको जी प्रॉब्लम हो तर्स में किसी चीज में, आप लोग मुझसे बिना झिझक करके पूछ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक अच्छा, वो कौन सा सोर्स है फरा जो 1 वीक तक ये लोग उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं? कुछ अगर बता हाँ देंगे जनाब, तो, हाँ एक सोर्स बता दें इन लोगों को, ताकि फिर ये लोग उसको फोकस करके उसी पे प्रैक्टिस करें, तो जब सुनाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इतनी कितनी मेहनत की है। अच्छा मैं ये जो होमवर्क है मैं ऑडियो करके ग्रुप में भेजूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, मैं एक प्रश्न कर सकती हूँ?
मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने कहा कि हमने सुबह उठ के करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इसकी ज्यादा से ज्यादा हम कितनी देर तक कर सकते हैं? तो आपने कहा ना इस तरह करके प्रैक्टिस करनी है, डिपेंड ऑन योर टाइम, आपके आपके पास वैसे जितना टाइम है आप करिए, ज्यादा से ज्यादा करें, मतलब अपने गले को रोलिंग में रखें आप। और ये इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको कहीं बैठना पड़ जाएगा, आप किचन में कुकिंग कर रही हैं, आप कुकिंग के दौरान ये चीजें करती रहें, आपको ये कलाम जो आप ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग जो समझते हैं कि ये कलाम हम नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल कलाम, आपने वही कलाम पकड़ना है, अपने लिए वही सिलेक्ट करना है। और रफली आप जो है वो कुकिंग कर रही है, कोई काम कर रही है, आप उसको गुनगुनाते रहे, आप उसको पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते, कोशिश करनी है। आपका गला एक दफा रोलिंग पे आएगा ना, फिर सारे मसले सीधे हो जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा, और फिर आप लोग अच्छा से अच्छा पढ़ने लगेंगे। वैसे आप लोग सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, सब यहाँ पर अच्छा पढ़ रहे हैं, और इसको निखार के पढ़ सकते हैं ना। कौन से जगह यानी कौन से लफ्ज पे सांस तोड़ के दोबारा से वो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम कभी सांस लेने के लिए वो करते हैं, तोड़ते हैं अगर लफ्ज, तो वो लगता है टूटा हुआ, उसमें फर्क आ जाता है। यानी तो हमें कहाँ पर सांस लेना चाहिए, कहाँ पे तोड़ना चाहिए, यानी सांस मिसने में। आपने कहीं पर भी जब भी आप सांस की सेटिंग आपने ऐसे रखनी है कि आपने जो वर्ड है ना, वर्ड वर्ड को कंप्लीट करके सांस लेनी है, मतलब ऐसे वफा जिसका सही है? मैंने सांस ली, पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी लाइन, जिसे सजदे, एक मिनट आप पूरा पहले पढ़ने दें उनको जी, ठीक है। जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसे मैंने पूरा पढ़ा, उसे सांस ली अब्बास कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपको? मतलब आपने लफ्ज कंप्लीट करना है, या आपके ऊपर डिपेंड है, या आप उसे से पहले सांस ले लें या बाद में। इसकी टिप ये है, जब आप कलाम लिखिए ना, तो आपको जहाँ कंफर्टेबल लग रहा है कि आप यहाँ तक पढ़ सकती हैं पूरा, और इस मिसरे पे आपकी सांस टूट रही है, तो आपने वहां पर हल्का सा डॉट लगा देना, वहां पर आपने सांस लेनी और फिर पूरा अब्बास कहते हैं। समझ में आई आपके? जी जी। और एक चीज और मालूम करनी थी, जब हम पढ़ते हैं कि कुछ अल्फाज आते हैं जिसमें थोड़ी सी लय, यानी कि कुछ अल्फाज सीधे पढ़े जाते हैं बिल्कुल, और कुछ में थोड़ी सी लय, यानी मैं वो नहीं बता पा रही, यानी जैसे लहरा देते हैं उसको, इस तरह जगह लगती है, जगह, जी 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 जी, जगह। तो वो उसके लिए भी मतलब कौन से अल्फाज को सीधा पढ़ना चाहिए और कौन से अल्फाज को जगह के साथ जगहें लगा के पढ़ना चाहिए? आपके ट्यून पे डिपेंड करता है, आपके अच्छा। ट्यून पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जगह लेनी और कहाँ सीधा पढ़ना। ठीक है, जैसे ये अच्छा। आप ये यहाँ से फॉर एग्जांपल, वफा जिसे का पढ़े कलमा उसे, पहली वाली लाइन उसे अब्बास कहते थे, सेकंड मैंने पढ़ा जगह लगाई उसे अब्बास कहते हैं, सजदे करे सजदा करे पे मैंने जगह लगाई। आपको समझ में आ रहा है? आपको दोबारा रिपीट कर दो जरा, एक दफा बड़ा, ठीक है ना, एक दफा इसको रिपीट, इस जुमले को एक दफा रिपीट कर दें, ठीक है। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे
ठीक है, अब जो मैं सेकंड लाइन पढ़ूंगी उसमें मैं जगह ऐड करूंगी। बुफा जिसे का पढ़े कहते हैं जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। माशाल्लाह बहुत आला। आपके चीज पे डिपेंड करता है, जो कलाम है उसकी ट्यून पे डिपेंड करता है कि कौन सी लाइन सादा लाइन है और कौन से मिसरे पे। मैंने जो बताया आपको समझ आया, आपकी ट्यून पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ जगह लगानी कहाँ नहीं। मैं आपको जब वर्क दूंगी एक कलाम मैं आपको ऑडियो करके भेजती हूँ ग्रुप में ना, तो इसमें मैं आपको समझा दूंगी जहां पर जगहें लग रही है, मैं आपको वो चीज क्लियर कर दूंगी ताकि आप लोग के सेंस में ये बात हो कि ये जगह वाली लाइन है। ठीक है, अस्थाई सानी अंतरा जी। अभी इस चीज को मेरे ख्याल में रहने दें क्योंकि मुझे लग रहा है अभी शायद टफ हो जाएगा आप लोगों के हिसाब से ना। अभी थोड़ा स्टार्टिंग से जो बेसिक चीजें वहीं से आप बताइए। हाँ, इस चीज को थोड़ा रहने दें, जब आप लोग कलाम पढ़ने लगेंगे तो फिर मैं आपको ये चीज समझा दूंगी। अभी हम फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और मिसरे पे ही बात करेंगे। दूसरा आस प्रैक्टिस करनी है आस की। और किसी का कोई सवाल? मर्सी एकेडमी के चैनल से यहाँ से सीख रही हैं तो मर्सी एकेडमी फरा को पे कर रहा है, लेकिन आप लोग अगर खुद भी चाहें तो फरा खुद इंडिविजुअली भी आप लोगों को सिखा सकती हैं। ये मैं फरा के सामने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर वो आपको अपना कांटेक्ट दे देंगी विदाउट एनी प्रॉब्लम विद मर्सी एकेडमी। यू गाइज कैन ज्वाइन बट इन दैट केस यू विल पे इंडिविजुअली टू हर डायरेक्टली। ठीक है फरा, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, मर्सी एकेडमी को इसमें कोई एतराज नहीं है। आप में से कोई भी अगर फरा का चैनल, फरा का जो सिखाने का प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मर्सी एकेडमी की इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो लोग मर्सी एकेडमी के थ्रू सीख रहे हैं, मर्सी एकेडमी उसके लिए उनको फरा को पे करेगा, मतलब जो हम स्पॉन्सर्स में से हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ पे एंड करनी पड़ेगी मीटिंग, आप लोग जा सकते हैं। फिर मुझे फरा से एक दो मिनट की बात करनी है, उसके बाद फिर मैं अगली क्लास अंडर 20 वालों की शुरू होने वाली है तो मैं